जी आप देख सकते हैं इमरान खान की बहनें अलीमा खान और उज़्मा खान को एटीसी अदालत में लाया जा रहा है। दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद दोबारा से इनको यहाँ पर आज अदालत में लाया गया है। आप देख सकते हैं मनाजिर, और अब इनको दोबारा से पेश किया जाएगा अदालत के अंदर। दो रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद अलीमा खान और उज़्मा खान जो हैं, अब इनको गाड़ी से बाहर निकाला जाएगा। ये मनाजिर इस वक्त आप देख सकते हैं, पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में इनको यहाँ पर पहुँचाया गया है एटीसी अदालत में, और अब इस गाड़ी से उनको निकाला जाएगा। आप मनाजिर देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए अलीमा खान बाहर निकल रही हैं, ये आप देख सकते हैं उज़्मा खान और अलीमा खान दोनों इस वक्त बाहर गाड़ी से निकल रहे हैं, और अब इनको अदालत में पेश किया जाएगा। जेल है, अल्लाह का शुक्र दोबारा से एहतजाज की कॉल दे दी गई है। दोबारा से कौन गुजरे हैं आपके और क्या मसरूफियात हैं? आप पीछे हो, नीचे हो जाए ना, बताइएगा। इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही आपके पार्टी रहनुमाओं की? मैडम इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही पार्टी रहनुमाओं की? उनको भी बंद कर दिया है मैडम। कल ये आप देख सकते हैं अलीमा खान जो हैं, अब इनको यहाँ ऊपर अदालत में पेश किया जाएगा। आराम से कैसे भैया, कैमरे वाले भैया आगे निकलो। ओ भाई यार आप तो बीच में नहीं यार, वो गड़बड़ ना करें, खुदा का नहीं रास्ता चले ना आप भाई, आगे चलते जाए, मेहरबानी करें भैया 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 आप थोड़ा आगे चलते जाए। ये भाई यहां पर आगे चलते जाए जी कि भाई चलो ना आगे चलो। जवाब दें कि क्यों नाजायज गिरफ्तार किया, आगे चलते मैम। पीटीआई ने कॉल दे दिया 15 को, पीटीआई ने 15 तारीख की कॉल दे दी डी चौक में पहुंचने की, तो आगे चलते जाए। मैडम 15 अक्टूबर की कॉल कौन दे रहा है जब इमरान खान साहब खुद जेल में? थोड़े थोड़े आगे होते हैं। क्या पाकिस्तानी इत्तेजाज नहीं कर सकते? उनको आईन इजाजत देता है, उनको हक देता है कि इत्तेजाज कर सके हर पाकिस्तानी। मीडिया के सोशल अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? सोशल अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? थोड़ा आगे हो जाओ आजाद भाई, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, शाबाश आगे हो जाओ, चले थोड़ा गेट तो हाट दो, गेट तो हाट दो, गेट से हाट दो, गेट से हाट दो, ये दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो। कुछ नहीं कहेंगे, उम्मीद लगा के आए कि अल्लाह करे आज जजों के दिल में भी अल्लाह रहम डाले, क्योंकि कोई केस नहीं है उनको छोड़ें, उनकी कोई वजह नहीं बनता उनको इन थानों में और जेलों में रखने का। तो आज इस उम्मीद से आए हैं और कि अल्लाह इनके दिल में डाले कि सही फैसला करें। आपकी कोई मुलाकात हुई है उनसे?
साबिक वजीरम की बहन होना जुर्म है या उनके रिहाई के लिए एहतजाज में शिरकत करना? हर चीज जुर्म है ना, रिहाई के लिए शिरकत करना भी जुर्म है, पाकिस्तान के लिए खड़ा होना भी जुर्म है, सब कुछ जुर्म इस वक्त है। ये जुर्म ही समझे कि हम पाकिस्तान के लिए बोलें, और हम असल में अगर हम आप सब एहतजाज बाहर कर रहे हैं खान साहब अंदर इसी वजह से आप लोगों की, पाकिस्तान के लोगों के लिए, वरना खान साहब की ज़िंदगी में तो कोई फ़र्क नहीं था। अच्छा, आपकी अलीमा खान साहिबा से मुलाकात भी हुई है, बताइएगा कि उनको किस हाल में रखा हुआ है थाने में? वो वहाँ पे ख़वातीन बैठी होती हैं थाने वाली, बोल ज़्यादा सकते नहीं, लेकिन आप सोचें कि कोई अच्छे हाल में नहीं है, बस ये मैं बता सकती हूँ कि अच्छा। किस हाल में क्या आपने? मतलब खाना कैसा दिया जा रहा है? नहीं, खाना मसला नहीं है। देखिए, हमारे लोगों के लिए या किसी के लिए खाना मसला नहीं है, खाने के बगैर रह सकते हैं, जो रवैये हैं, जो तरीके हैं, वो मसला है। वो आपको पता है कैसे हैं, आप सबको पता है कि थानों के अंदर क्या होता है, और जहाँ औरतों का थाना होगा वो औरतें आपको पता है आदमियों से भी बढ़ के ज़ालिम बनती हैं। बता दें कैसा रवैया है? रवैया अच्छा नहीं, मैंने कहा ठीक है, मतलब अच्छा नहीं है। मैडम, आपका बेटा भी अंदर है, भाई भी, बहने भी, आपसे बात ही रहे बस आप मुझे बचाना ना, मुझे ना पकड़वा देना पिटीशन डाली है लेकिन वो कहते हैं जिन्होंने पहले पिटीशन डाली थी वो गायब हैं, तो बाप को ना कर ले गायब। क्या मौका इख्तियार किया आपने उसमें? यही कि मेरा हक है, मैं फैमिली हूँ, मुझे मिलना का मेरा बनता है, क्योंकि मुझे परेशानी है कि अंदर उनके साथ कैसे रख कर रहे और क्यों बंद किया। देखिए, आप ये मुझे बताएं कि इतना बंद करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? हाँ, और अगर उनको किसी से चले सियासी तौर पे बंद कर रहे हैं, मैं तो फैमिली थी, मुझे तो देखने देना कि वो ठीक है, खैरियत से है, क्योंकि एतबार तो इन पे किसी पे नहीं है। आपको पता है कि जेलों के अंदर क्या कुछ ये करते हैं, जहनी टॉर्चर तो ठीक है, जिस्मानी ना करें ना, वैसे तो इनको पता है ये नहीं कर सकते, इनको पता है अगर ये कर सकते तो ये कर चुके होते, इनको पता है, ये एक दफ़ा कोशिश भी ना करें क्योंकि उसके बाद इनको भी पता है कि क्या होगा। अगर आपको अलाउ कर दिया जाता है मुलाकात के लिए, तो खान साहब से मिलकर क्या उनको बताएंगे, क्या बातें करेंगे, बताइएगा? जो कुछ यहाँ हो रहा है बताऊंगी ताकि वो जाने ही ना दे। मैं कोई बात नहीं करूंगी, मैं पूछूंगी अच्छी अच्छी बातें, मौसम का हाल पूछूंगी, खाने का पूछूंगी, मैं कोई बात नहीं करूंगी, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगी। हसन से मैं आज मुलाकात है, लेकिन मैं इधर आ गई हूँ, लेकिन वो दो हफ्ते हो गए मुलाकात। मैडम, ये भी बॉक्स आप ये बॉक्स पूरा ले लें, पूरे गाड़ी में रख दे, गाड़ी में रख दे।